स्वागत है दोस्तों। मैं धनवंत सिंह एक बार फिर आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल DCS धनवंत कंप्यूटर स्किल्स पर स्वागत करता हूं। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें। आने वाले समय में मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज मैं आपके लिए ITI ट्रेड्स में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उससे रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूं। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। टॉपिक का नाम आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, एसेंशिएशन ऑन सिंपल वर्ड्स, या जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी कि मोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन का मोड कैसा होता है, वर्ड्स को हम इंग्लिश में प्रोनाउंस कैसे करते हैं, चाहे किसी भी भाषा में प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे करते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आज हमारा टॉपिक है उसमें एक शब्द है एसेंट, या जिसे हम एक्सेंट भी बोलते हैं, एसेंट भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन का तरीका है। वो क्या होता है? अ वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज, स्पेशली वन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री, एरिया और सोशल क्लास। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण करना, किसी भी भाषा में शब्दों का उच्चारण करने का एक तरीका होता है। कोई भी व्यक्ति जब वो बोलता है, शब्दों का उच्चारण करता है, पढ़ता है, तो उसे उसका एसेंस बोलते हैं। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं तो मेरा स्पीकिंग का जो एसेंस है वो इंडियन है। मेरे बोलने के तरीके से लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, किस कल्चर से, किस भाषा से बिलोंग करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पंजाब में रहता हूँ तो मेरी बोलचाल में पंजाबियत की झलक आपको मिलेगी। अगर मैं साउथ इंडियन हूं तो मेरे बोलने में, मेरे एक्शन में आपको साउथ इंडियन झलक मिलेगी। इसी प्रकार से हम जिस देश में, जिस कंट्री में रहते हैं, तो शब्दों का जो उच्चारण करते हैं वो हमारे बोलचाल में, हमारे बोलने के तरीके में झलकता है, उसे हम एक्शन बोलते हैं। इसकी एक और इम्पोर्टेंस हो सकती है कि ना, एन इम्पोर्टेंस गिवन टू ए सिलेबल और वर्ड इन स्पीच बाय स्ट्रेस और पिच। जब भी कोई व्यक्ति कोई शब्द बोलता है या शब्दों का उच्चारण करता है, वो किसी शब्द को जोर देकर बोलता है, किसी को सॉफ्ट तरीके से बोलता है, तो वो भी एक्शन में आ जाता है, एक्शन में आ जाता है, या एक्शन जिसे हम बोलते हैं। द वे इन विच पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया, कंट्री और सोशल ग्रुप प्रोनाउंस वर्ड्स, ये वही डेफिनेशन है, उसी को दर्शाती है कि बहुत सारे लोग जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, किसी सोशल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनका शब्दों का उच्चारण करने का तरीका, वो उनका एसेंट होगा। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है इसको समझने के लिए, टर्म एसन को समझने के लिए। वन हु लिव्स इन इंडिया एंड बीन हेयर बट स्पीक्स इन ब्रिटिश एसन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इंडिया में काफी समय से रह रहा है और मगर वो जो शब्दों का उच्चारण करता है इंग्लिश में, जब वो बातचीत करता है तो ब्रिटिश लहजे में, यानी इंग्लैंड के रहने वाले लोगों के लहजे में बात करता है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, वन हु इज अ ब्रिटिश सिटीजन एंड लिव्स देयर फॉर अ लॉन्ग बट स्पीक्स इन अमेरिकन एसेंट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इंग्लैंड में, ब्रिटिश में काफी लंबे समय से रह रहा है, मगर जो उसका बातचीत करने का लहजा है वो अमेरिकन एसेंट में है। यह हो सकता है, ये आम तौर पर हमें एग्जाम्पल्स जो है आज की जिंदगी में हमें मिल जाती है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू प्रोनाउंस अ वर्ड इन हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, वंस एसेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आप कोई भी भाषा में बातचीत करते हो
चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, आपका जो शब्दों का उच्चारण करने का तरीका है वो आपके बोलचाल में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप किसी भाषा को बोलना सीखना चाहते हो, आपका एसएन शब्दों का उच्चारण करने का तरीका एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया भारत की एग्जांपल लेते हैं। इन इंडिया देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजियंस स्पीक्स देयर ओन लैंग्वेजेस। भारत में आप जानते ही हो बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं। साउथ इंडियन प्रोनाउंस्ड हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स इन डिफरेंट एसन एज कंपेयर टू वंस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। आप जानते ही हो कोई व्यक्ति नॉर्थ इंडिया में रहता है उसका बात करने का तरीका अलग होगा, अगर कोई साउथ इंडियन है उसकी इंग्लिश बोलने का तरीका, बात करने का तरीका नॉर्थ इंडियन से अलग होगा। यह एग्जाम्पल हम इंडिया में आमतौर पर देखते हैं। अब मैंने एसन शब्द का जो एक्शन शब्द है इसका उच्चारण मैंने आपको हिंदी में बताया है, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है मैंने डिक्शनरी का स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें आप देखिए हिंदी में लिखा है लहजा, बोलते समय स्वर का उतार चढ़ाव, स्वर का उच्चारण करना या प्रकट करना, स्वर का चढ़ाव उतार, स्वर, स्वर मतलब बोलने का तरीका। आपको समझ आ गया होगा हिंदी में एक्शन को क्या बोलते हैं, बोलने का तरीका। हर व्यक्ति विशेष जो इस दुनिया में है उसका शब्दों का उच्चारण करने का तरीका अपना है, जो अपने आप वो सीखता है। कुछ व्यक्ति का अगर एक्शन यानी शब्दों का उच्चारण सही नहीं होता तो अपनी प्रैक्टिस करने के बाद वो सही कर लेता है। अब मैंने पंजाबी में आपको इसका मतलब बताया है कि एक्शन का मतलब पंजाबी में क्या होता है, स्वर होता है, सुर होता है, लहजा होता है, उच्चारण वही सेम मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन क्या है। द टर्म प्रोनाउंसिएशन रेफर्स द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स दैट वी यूज टू मेक व्हाइल स्पीकिंग और टॉकिंग इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच और मैनी मोर। जब भी हम किसी भाषा में बातचीत करते हैं, भाषा में शब्द बोलते समय जो आवाजें, आवाज निकलती है, जो साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, शब्दों का बोलने का जो तरीका होता है उसे हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल टॉकिंग। जब हम बातचीत करते हैं प्रोनाउंसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ईच लैंग्वेज हैज नंबर ऑफ साइंस सिंबल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड्स व्हाइल स्पीकिंग। हर एक भाषा चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उसमें कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो बातचीत करते समय साउंड प्रोड्यूस करने में सहायता करते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, पंजाबी में पंजाबी के अक्षर होते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इन इंग्लिश दी सिंबल्स आर कॉल्ड अल्फाबेट्स, इन हिंदी दी सिंबल्स आर कॉल्ड वर्णमाला, और इन पंजाबी इज कॉल्ड गुरुमुखी और पैंती। हिंदी में उसे हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, माफ कीजिएगा, इंग्लिश में हम अल्फाबेट्स बोलते हैं, हिंदी में वर्णमाला बोल देते हैं, पंजाबी में गुरमुखी और पैंती इन सिंबल्स को कहा जाता है। इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, स्पीकिंग अपनी अच्छी करना चाहते हो, इसका ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप याद रखिए, स्पेलिंग डज नॉट डिटरमाइन प्रोनाउंसिएशन। कोई भी शब्द लिखने जब हम लिखते हैं या बोलते हैं उसके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका होता है, इसे हम प्रैक्टिस करने से इसे सुधार सकते हैं। स्पेलिंग याद करना प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, यह याद रखिएगा। एक्सेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोनाउंसिएशन और इन प्रोनाउंसिंग। एक्सेंट जो होता है, शब्दों का जो उच्चारण होता है, वह प्रोनाउंसिएशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक्सेंट मीन्स जिस शब्द को हम जोर देकर बोलते हैं, यानी कि किस शब्द को जोर देकर बोलना है, किस शब्द को सॉफ्टली बोलना है, कहां पर सांस लेनी है, यह एक तरीका होता है शब्दों का उच्चारण करते समय। यह हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं एक्सेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोनाउंसिंग। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इफ यू वॉन्ट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल यू नीड मोर प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स करेक्टली।
अगर आप अपना बातचीत करने का तरीका सुधारना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शब्दों का उच्चारण करेक्टली, यानी कि सही तरीके से कैसे किया जाता है, यह कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब कोई भी बंदा कोई एक्शन सीखना चाहता है, मान लीजिए आप ब्रिटिश एक्शन सीखना चाहते हो, अमेरिकन एक्शन सीखना चाहते हो, या आप फॉरनर हैं इंडियन एक्शन सीखना चाहते हो, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले एज ऑफ लर्निंग, कि आप भाषा किस उम्र में सीख रहे हो, अपना एक्शन किस उम्र में सीखना चाहते हो, आपकी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उसके बाद लेंथ ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हो, किस देश में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो ब्रिटिश एक्शन सीखना चाहते हो, या ब्रिटिश में रह रहे हो अमेरिकन एक्शन सीखना चाहते हो, यह महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपका जेंडर क्या है, लेडीज यानी फीमेल और मेल जेंडर भी प्ले रोल प्ले करता है। लेडीज का बोलने का तरीका सॉफ्ट हो सकता है, मेल्स का बोलने का तरीका जो है शब्दों को हार्ड हो सकता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। मोटिवेशन, आप कितने उत्साहित हो किसी भी एक्शन को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए। लैंग्वेज यूज, आप कौन सी वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, हार्ड वर्ड्स यूज कर रहे हो, सॉफ्ट वर्ड्स यूज कर रहे हो, यह आप पर डिपेंड करता है। विलिंगनेस, आपकी चाहत कितनी है एक्शन को सीखने की, यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, किसी भी एक्शन को, किसी भी भाषा को सीखने की जो रूल्स होते हैं आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैं इंग्लिश में हम बात करते हैं, इंग्लिश में शब्द होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स जो है हमारे, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं हमारे गले में एक वोकल ट्रैक्ट होती है, उससे संबंधित है। वॉवल्स की डेफिनेशन देखिए, अ वॉवल इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीच साउंड मेड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ अपर वोकल ट्रैक्ट और एरिया इन द माउथ अबव द टंग। वॉवल्स का मतलब क्या है, हमारी जो जीभ होती है, जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो शब्दों के उच्चारण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें वॉवल्स बोला जाता है। इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई और यू। समटाइम्स हम वाई को भी वॉवल कंसिडर करते हैं। जब हम वाई को कंसिडर करते हैं तो ये 6 हो जाते हैं, जब हम वाई को कंसिडर नहीं करते तो ये 5 होते हैं। सम वर्ड्स है, एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखी है जिनमें मैंने वॉवल्स का प्रयोग किया है। पहली लाइन में आप वो वॉवल्स देख रहे हो जिनमें एक वॉवल करेक्टर मैंने यूज किया है, जैसे पिन है, सन है, सन है, बॉल है, ऐसे और भी हो सकते हैं। सेकंड में मैंने एक से ज्यादा वॉवल्स यूज किए हैं, ग्रीन है, एयर है, बी है, एव है, ये आप देख रहे हो। थर्ड में क्वीन, सीरियस या डिलीशियस। तो आप इन शब्दों का जब उच्चारण करोगे तो आपके जो वोकल थ्रोट है या वोकल ट्रैक है उस पर असर पड़ता है। आप प्रैक्टिस से जान पाओगे इनका फर्क क्या होता है। अब बात करते हैं कंसोनेंट्स। जो शब्द वॉवल्स नहीं होते उसे कंसोनेंट्स बोलते हैं। वन ऑफ द स्पीच साउंड्स और लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट दैट इज नॉट वॉवल। जो लेटर्स, जो शब्द वॉवल्स नहीं होते उन्हें कंसोनेंट्स बोलते हैं, आम भाषा में आप याद रखिए। अब कंसोनेंट के बारे में कुछ और बताना चाहूंगा। कंसोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्रॉम फ्लोइंग इजिली थ्रू द माउथ, एस्पेशली बाय क्लोजिंग द लिप्स और टचिंग द टीथ विद टंग। ऐसे शब्दों का उच्चारण जब आप करते हो, जब बात करते समय आपके लिप्स बंद हो रहे हैं, आपकी जो जीभ है वो आपके टीथ को टच कर रही है, जहां हवा का फ्लो जो है मुंह के अंदर जाना बंद कर देता है, उन शब्दों को हम कंसोनेंट्स बोल सकते हैं। इंग्लिश में आमतौर पर ऐसे शब्द होते हैं। कंसोनेंट के बारे में और बताना चाहूंगा। मोर स्पेसिफिकली, अ कंसोनेंट इज अ साउंड दैट व्हेन पेयर्ड विद वॉवल मेक अ सिलेबल। जब कंसोनेंट्स को हम वॉवल के साथ पेयर में रखते हैं तो उसे सिलेबल बोलते हैं। कंसोनेंट हमारे पास 21 होते हैं, 5 वॉवल्स, बाकी कंसोनेंट हो गए 21। अगर हम वाई को कंसिडर करते हैं तो ये कंसोनेंट जो है वो 20 रह जाते हैं और वॉवल 6 हो जाते हैं। तो यह गिनती आप याद रखिएगा, यह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। एग्जाम्पल्स मैंने दी है आपके सामने। कार एक शब्द है, सी ए आर, जिसमें सी और आर जो है कंसोनेंट्स है।
स्टोरम एक एग्जांपल दी है, एस टी आर एम जो है कंसोनेंट्स है, डे एग्जांपल है, डे जिसमें कंसोनेंट है, वाई को हम यहाँ वॉवल कंसिडर कर रहे हैं। सिलेबल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, अ सिंगल यूनिट ऑफ स्पीच इधर अ होल वर्ड और वन ऑफ द पार्ट्स इनटू विच वर्ड कैन बी सेपरेटेड यूजली कंटेनिंग अ वॉवल। जब हम किसी करेक्टर को वॉवल के साथ पेयर करते हैं, यानी एक वॉवल को और एक कंसोनेंट को पेयर करते हैं, उसे सिलेबल बोला जाता है। याद रखिएगा, जब हम किसी शब्द को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, शब्द को बड़ा कोई शब्द है आपके पास, उसको डिवाइड कर लिया हमने, उसमें जब हमने उसकी डिवाइडेशन की, तो डिवाइडेशन में एक वॉवल और एक नॉन वॉवल करेक्टर जो है पेयर में आ जाता है, उसे सिलेबल बोला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक शब्द लिखा है वाटर, और वाटर में दो सिलेबल बन गए हैं, डब्ल्यू और ए। डब्ल्यू है नॉन वॉवल है, ए जो है वॉवल है, टी ई आर जो ई है वो वॉवल है। तो ऐसे ही इन्फर्नो, इन्फर्नो में हमारे पास तीन सिलेबल बन चुके हैं, आई एन एफ ई आर तो एन ओ, और बटन में हमारे पास टू सिलेबल बन चुके हैं, बी यू टी टी ओ है। तो एग्जाम्पल्स होती हैं सिलेबल की। सिफिक्स क्या होते हैं, सिफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पहले सिफिक्स आर लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंडिंग ऑफ द वर्ड टू चेंज देयर मीनिंग और फंक्शन। जब हम इंग्लिश में शब्दों के पीछे कुछ और करेक्टर्स को जोड़ देते हैं, तो उस उन शब्दों का जो उच्चारण है और उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, उसे हम सफिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक बात और सफिक्स के बारे में बताना चाहूंगा, दीज यूजफुल शेप शिफ्टिंग टूल्स कैन बी एज स्मॉल एज एस एंड ईडी और कैन बी लार्जर एडिशन सच एज एशियन और एशियस। सिलेबल्स जो जो सफिक्स होते हैं, माफ कीजिएगा, सफिक्स जो होते हैं वो एस और ईडी की तरह छोटे हो सकते हैं, एशियन और एशियस की तरह बड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, पहले इसकी टाइप्स में बताऊंगा और साथ में एग्जाम्पल देखिएगा टाइप्स ऑफ सफिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले नाउन्स होते हैं, जिसमें हम शब्द के पीछे डबल ई आर, आई ओ एन, आई टी वाई, एम ई एन टी, एन ई डबल एस और एसेंस लगा देते हैं। एग्जाम्पल है ब्लाइंडनेस, इंजीनियर, टीचर। ऑब्जेक्टिव्स में देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में एबल होता है, लाइबल होता है, एंट होता है, एरे होता है, फुल होता है, ईस होता है, ईशियस होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, अडेप्टेबल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। वर्ब में ईडी लगा देते हैं, ईएन लगा देते हैं, शब्द के पीछे ईआर हो सकता है, आईएनजी हो सकता है, ईज हो सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ड्राइविंग हो गया, फास्टर हो गया, एडवर्टाइज हो गया। एडवर्ब में हम एल वाई लगाते हैं, वार्ड लगाते हैं, वाइज लगाते हैं, फॉरवर्ड हो गया, लवली हो गया, अदरवाइज हो गया। ये आम कॉमन शब्द हैं, इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, अपनी बुक में देख सकते हो, इंटरनेट की सहायता ले सकते हो, गूगल की सहायता ले सकते हो, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। होमोग्राफ क्या होते हैं, होमोग्राफ वर्ड्स होते हैं, ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स spelled the same but not necessarily pronounced the same and having different meaning or origin। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है, मगर उनको प्रोनाउंस करने का तरीका और उनका मीनिंग जो है डिफरेंट होता है। जैसे कंपैक्ट का हम मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग ले सकते हैं, बैट का मीनिंग अलग हो सकता है, एक्सिस का हो सकता है, कंटेंट का हो सकता है, कंट्रैक्ट का हो सकता है, डाउन का हो सकता है, लीड का हो सकता है, फाइन का हो सकता है, प्रोजेक्ट का हो सकता है। मैंने कॉमन एग्जांपल जो आपके सामने पेश किए हैं, नंबर हो सकता है। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, होमोग्राफ ऐसे शब्द होते हैं जिनके स्पेलिंग तो सेम है मगर सेंटेंस में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट इनका मीनिंग हो सकता है, उसे हम होमोग्राफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स भी शब्द होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग ओरिजिन और स्पेलिंग। जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है मगर उनकी मीनिंग और उनका स्पेलिंग जो है डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ईच ऑफ अ सेट ऑफ सिंबल्स डिनोटिंग द सेम साउंड और ग्रुप और साउंड्स। कहते हैं ऐसे शब्द जिनकी साउंड सेम होती है, जिनकी
बोलने का तरीका सेम होता है मगर उनके स्पेलिंग्स में, उसके मीनिंग में फर्क होता है, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एस ई डबल एल सेल और सी ई डबल एल सेल, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। सन एस यू एल एस ओ एल, हील एच ई ए एल एच डब्ल्यू एल हील, आवर और आइडल और नाइट, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग जो है डिफरेंट होता है। साइलेंट लेटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज हैज लॉट ऑफ साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर कॉज डिफिकल्टीज फॉर बोथ नेटिव स्पीकर्स एंड इंग्लिश लर्नर्स बिकॉज दे मेक स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रोनाउंसिएशन। कहने का मेरा मकसद है जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंसिएशन को डिफिकल्ट बनाते हैं, कभी कभी हम स्पेलिंग में उलझ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो साइलेंट वर्ड जो होते हैं, साइलेंट लेटर जो होते हैं, वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो डिफिकल्टी पेश करते हैं। नेटिव स्पीकर जो लोग शुरू से ही वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो लर्नर होते हैं उनके लिए भी। अमंग द 26 अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड ईच कैन बी यूज्ड एज साइलेंट लेटर्स एज डिफरेंट सिचुएशंस। कहते हैं जितने भी हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं उनको हम एज अ साइलेंट लेटर यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, नाइफ में के जो है साइलेंट है, आवर में एच जो है साइलेंट है, और भी एग्जांपल हो सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। लर्न टू लिसन, सुनना शुरू कीजिए। आप अगर आप किसी को अच्छे तरीके से सुन सकते हो तो आप सीख सकते हो। नोटिस हाउ योर माउथ एंड लिप्स मूव, जब आप बोलते हो कोशिश कीजिए, देखिए, देखने की मिरर में कोशिश कीजिए आपका जो माउथ है, जो आपका मुंह है और आपके लिप्स हैं कैसे हिल रहे हैं। पे अटेंशन टू योर टंग, अपनी जीभ पर ध्यान दीजिए। ब्रेक द वर्ड डाउन इनटू साउंड्स, शब्दों को छोटी छोटी आवाजों में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। एड स्ट्रेस टू साउंड्स एंड वर्ड्स, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए साउंड और वर्ड्स पर। आस्क योर सेल्फ विच डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश यू वॉन्ट टू लर्न, आप किस तरह की इंग्लिश को सीखना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक्सट्रैगेट सर्टेन साउंड्स, मेक देम बिगर, शब्दों को बड़ा करके बोलने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स बाय देयर साउंड, आवाज के हिसाब से शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। राइट डाउन व्हाट यू हेयर, आप जो सुनते हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस विद टंग ट्विस्टर, जो टंग ट्विस्टर होते हैं, जो बोलने में डिफिकल्ट होती हैं टंग ट्विस्टर, उनको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। रिकॉर्ड योर सेल्फ, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनिए। प्रैक्टिस विद बडीज, किसी और व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। स्पीक एज मच एज यू कैन, जितना भी आप बोल सकते हैं बोलने की कोशिश कीजिए। टेक केयर ऑफ नाउन्स प्रोनाउन्स एंड सम ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स को सीखिए, नाउन्स और प्रोनाउन्स का ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, मुझे देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स मेरी ईमेल आईडी पर छोड़ सकते हैं, ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया।